सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। WWE Raw सुपरस्टार मोजो रावली हाल ही में पांव की इंजरी से जूझ रहे हैं। उनके बाएं पांव में चोट लग गई है। मोजो रावली साल 2012 से WWE में परफॉर्म कर रहे हैं। वो रो ब्रांड के मिड कार्ड परफॉर्मर रहे हैं। इससे पहले वो फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। उनका नाम शानदार एथलेटिक की लिस्ट में शुमार है। उनकी क्षमता और शक्ति हमेशा उन्हें आगे ले जाने का काम करती है। मोजो रावली का पूरा नाम दीन मोहताड़ी है। कॉलेज में भी वो एक फुटबॉल प्लेयर के रूप में उन्हें काफी सफलता हासिल की है। उन्होंने इसके साथ ही MBA की डिग्री भी हासिल की है। 16 जुलाई को हुई रो के एक एपिसोड में मोजो रावली ने टाइलर ब्रिज को हराया था। मैच के बीच में वो कुछ अच्छे ढंग में नजर नहीं आए। बाद में पता चला कि वो पांव की इंजरी से जूझ रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके बाएं पांव में चोट लगी है। हालांकि बुरी खबर ये है कि उनकी चोट काफी बड़ी है। घुटने के एरिया में भी उन्हें चोट लगी है। सबसे खास बात ये है कि मोजो रावली की चोट को लेकर WWE की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। एक बात अच्छी है कि प्रोफेशनल रेसलिंग के एक्सपर्ट ने ये कहा है कि वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहेंगे, जल्द ही एक्शन में नजर आएंगे। फैंस भी चाहते हैं कि वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रहे। मोजो रावली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को टक्कर दी है। आंद्रे द जॉइंट मेमोरियल कप भी वो रेसलिंग मेनिया में जीत चुके हैं। मोजो रावली फिलहाल अपनी चोट से रिकवर कर रही है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कब तक रिंग में वापसी करेंगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।